तो जय जोहार संगवारी हो, मैं आपमन के मितान ओम विश्वकर्मा और स्वागत है आपमन के हमारे मितान छत्तीसगढ़ चैनल में। संगवारी हो, आज देख सकत हो हम बहुत ही धमधागढ़ के और धमधा क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, एकमात्र मंदिर जो सिद्ध मनोकामना भगवान धन्वंतरी मंदिर धमधागढ़ आज पहुँचे हैं। और बिल्कुल संगवारी हो, आप मन ला हमारे चैनल के माध्यम से आप मन ला दर्शन भी कराबो सुघर यहाँ के बारे में, ये मंदिर के परिसर के बारे में, ये मंदिर भगवान धन्वंतरी के बारे में बिल्कुल जानबो विस्तार पूर्वक। और आप मन से निवेदन है संगवारी हो, अभी तक आप मन हमारे मितान छत्तीसगढ़ चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो फटाफट सब्सक्राइब कराओ, शेयर करो, अपन आशीर्वाद दो, अपन मैं दुलार दो। तो चलो संगवारी, ज़्यादा विलंब नहीं करो, सीधा चर्चा करबो और गोड़ बात करबो और आप मल्ला अंदर आओ, यहाँ के बारे में, लोकेशन के बारे में दिखाथन और चर्चा करथन। तो संगवारी हो, देख सकत हो, आओ आप मल्ला अंदर प्रवेश करथन मंदिर के अंदर। और सुघर जो कलाकृति भगवान जी के आप मन सुघर देख सकत हो, और 14 रत्न एक बारे में विस्तार पूर्वक जानबो हमार आदरणीय महोदय जी मन से। और आओ आप मन ला विस्तार पूर्वक, सबसे पहले तो महोदय जी आप मन आते हो ये सही जी। हाँ, तो सबसे पहले स्वागत है आप मन के हमारे जी जी जी। तो महोदय जी आप मन बताओ, हमारे धमधा क्षेत्र में धन्वंतरी मंदिर जो भगवान जी है, बहुत ही एकमात्र एक ऐसे स्थान है धमधागढ़ में जो यहाँ विराजमान है, तो एक बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक हमार संगी संगवारी मन बताते हैं। जी 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 जी, मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। परिचय देता हूँ, मैं डॉक्टर दिनेश साहू, यहाँ के जो है आध्यात्मिकता को लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मंदिर सिद्ध मनोकामना भगवान धन्वंतरी मंदिर जी का निर्माण 2021-22 में हुआ है जी। और इनके जो भक्त हैं वो हर दिन जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका मंदिर का निर्माण इसलिए कराया गया कि ये आयुर्वेद के देव हैं और आयुर्वेद के देव हैं तो ये कल्याणकारी सेवा हर नगर के क्षेत्र के लोगों को जो है शारीरिक परेशानी रोगग्रस्त जितने भी मानव हैं उनको जो है लाभ मिल सके इनके आशीर्वाद से, भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से। और जहाँ पौराणिक कथा अनुसार समुद्र मंथन हुआ था और इस समुद्र मंथन में जो है बहुत सारे रत्न निकला और इसी रत्नों को लेकर के हमने एक वॉक आउट किए कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और ऐसा मंदिर जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह जनरल नॉलेज भी है, सामान्य ज्ञान भी है और इसके साथ साथ जो है लोग बाग तक जो है इसकी जानकारी भी मिल रही है। तो समुद्र मंथन में पहला जो रत्न है हलाहल विष पहला निकला था, हलाहल विष, हलाहल विष जैसे ही निकला वैसे ही जो है भगवान शंकर जी से निवेदन करने जो है गए असुर लोग और देवगण कि भाई अब विष निकल गया है तो विष को पिएगा कौन। तो महादेव जी ने जो है उस विष को जो है धारण किए, इसलिए नीलकंठ भी कहलाए। जी हाँ, उसके बारे में हमने 2 लाइन जानकारी के लिए ऊपर लिखे भी हैं, ये ऐसा दिखाएंगे इसको ऐसे दिखा करके ऐसा लगे। ये पत्थरों के नक्काशी से जो है खुरच करके बनाया गया है, जो आप देख रहे हैं कुछ वर्षों से जो है पत्थरों की नक्काशी ख़त्म सा हो गया है और ये ख़त्म सा इसलिए हो गया है कि हम जनता सीधे सीधे में जा रहे हैं। तो हमारी ये सौभाग्य है कि पत्थरों की नक्काशी से ही समुद्र मंथन की सभी रत्नों को जो है खुरेज करके बनाया गया है। जी हाँ, ये है दूसरा रत्न समुद्र मंथन में जो निकला, कामधेनु माता जी। मतलब ये ऐसा है कि गौ माता जी। तो गौ की पूजा होनी चाहिए, गौ को जो है ऐसा जो है खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, उसका संरक्षण और रक्षण होनी चाहिए, तभी जा करके हम उन पौराणिक कथा को पूर्ण करेंगे। इसी तरह से ऊपर दिखा दीजिए कामधेनु, तो इसी तरह से जो है तीसरा रत्न प्राप्त हुआ था उच्चैःस्रव घोड़ा जी। तो उच्चैःस्रव घोड़ा जो है इसके बारे में हमने ऊपर लिख भी दिए हैं ताकि सबको जो है जानकारी हो कि जैसे लिखे हैं तीसरे नंबर पर उच्चैःस्रवी घोड़ा निकला था, ये घोड़ा मन की गति से चलता था, इसे असुरों के राजा बलि ने रखा था, ऐसा लिखने का अर्थ ये है। और शाब्दिक संदेश भी है उसमें कि जब मन इधर उधर भटकता है तो वह बुराइयों की ओर ही जाता है, जी। बचना बचना है
माने कितना अच्छा इसमें कार्य किया गया है हमारे भगवान धन्वंतरी मंदिर समिति, श्री साई चिकित्सा शिक्षण सेवा समिति, इस तरह से जो है हम लोग इस पर बढ़ते कदम जो है अध्यात्म शक्ति बढ़े और लोगों तक पहुंचे। जी गुरु जी बताइए, ये चौथा जो रत्न जो निकला है वो है एरावत हाथी। ये हाथी जो है हमारे यहाँ पर ऊपर में जो लिखा है चौथे नंबर पर निकला था, इसे देवराज इंद्र ने इसको रखा था। और एरावत हाथी जो है शुद्ध बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धि की शुद्धता का प्रतीक है। जब मन जब बुराइयों से दूर होगा तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, विचार अच्छे रहेंगे तो मन भी शुद्ध रहेगा। आगे है पाँचवें नंबर पर जो रत्न हमारे जो निकला है कौस्तुभ मणि है। ये रत्न के बारे में इनकी जो विशेषता है कि कौस्तुभ मणि जो है भगवान विष्णु ने इसको अपने हृदय पे धारण किया था और यह भक्ति का प्रतीक है। और इस पर एक संदेश यह है कि जब मन से बुरे विचार जो है निकल जाते हैं तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तब मन में भक्ति जागती है, भक्त को फिर कृपा मिलती है, यानी भगवान के हृदय में स्थान मिलता है। और इसी तरह आगे है छठवें जो नंबर पर है वो है कल्प वृक्ष। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया था, देवताओं ने इसको रखा और स्वर्ग में स्थापित किया। और कल्प वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि ये सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष था। इनका संदेश है इस पर कि भक्ति करते समय और मन का मंथन करते समय इच्छाओं को अलग कर देना चाहिए। जब भी हम कर्म कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं तो उस समय हमारे मन में कोई दूसरी इच्छा नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो जैसा कि देवताओं ने कल्प वृक्ष को समुद्र मंथन से दूर स्वर्ग में स्थापित किया था, इसी तरह से साहू जी आप बताएं आगे आप। हाँ, सातवें नंबर पर है अप्सरा रंभा जिनका नाम था, और इनके बारे में कहा जाता है कि रंभा जो है उनको वो देवताओं के पास चली गई जी। और ये जो है काम वासना और लालच का प्रतीक है जी। इन पर एक संदेश ये होता है कि जब हम भक्ति करते हैं जी, तो हमको काम वासना और जो लालच की जो बुराई है जी, इन बुराइयों से हमको बच के रहना चाहिए। ये हमें एक बहुत बड़ा संदेश इनसे हमको प्राप्त होता है जी। आगे इधर आठवें नंबर पर जो है देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी तो जन जन में प्रिय है और ये आठवें नंबर पर समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। लक्ष्मी जी को देवता दानव और ऋषि सभी अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का वरण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का वरण किया, यानी लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास चली गई। संदेश यह है कि लक्ष्मी यानी धन उन लोगों के पास ही रहता है जो कर्म को महत्व देते हैं, यानी जो कर्म करते हैं उनके पास ही धन होगा, जो कर्महीन है उनके पास धन की जरूरत कहाँ से आएगा। धन और धर्म के अनुसार काम करते हैं, धर्मानुसार जो काम करते हैं और कर्म करते हैं उन्हीं के पास ही धन रहता है जी। आगे हम देखते हैं समुद्र मंथन से जो नवा रत्न प्राप्त हुआ है वारुणी देवी जी। वारुणी देवी को दैत्यों ने ग्रहण किया। दैत्यों ने क्यों ग्रहण किया? वारुणी का अर्थ है मदिरा, मदिरा लेकर के जो उपस्थित हुई है, तो दैत्यों का जो आचार है उस आधार पर उसने इनको ग्रहण किया। और इस पर संदेश यह है कि मदिरा यानी नशा करना, और हम जानते हैं कि कितनी बड़ी बुराई है, नशा नाश का जड़ है ना। तो नशा करने वाला व्यक्ति बुराइयों की ओर ही जाता है, अग्रसर होता है, तो हमको इन चीज़ों से बच करके रहना चाहिए, तभी हम
अपने समाज, परिवार और अपने देश का भला कर सकते हैं। आगे हम समुद्र मंथन से जो प्राप्त हुआ है 10वें नंबर पर, वो है चंद्रमा, जिसको शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। चंद्रमा जो है शांति और शीतलता का प्रतीक है, ये तो जगविदित है। जिस तरह से सूर्य जो है हमको गर्मी प्रदान करती है, उसी तरह से चंद्रमा जो है हमारे शीतलता और मन को शांति प्रदान करती है। और इससे हमको यह संदेश मिलता है कि जब हमारा मन सभी बुराइयों से दूर हो जाता है, तभी हमको शांति और शीतलता मिलती है। आगे हम बढ़ें, ये 11वें नंबर पर जो रत्न प्राप्त हुआ था, पारिजात वृक्ष, और इसको मात्र छूने से ही, ये जो वृक्ष होता है इनको छूने से ही थकान दूर हो जाती है। हमारी थकावट, जो मन की थकावट, शरीर की थकावट दूर हो जाती है। तो इस कल पारिजात वृक्ष को देवताओं ने ग्रहण किया, और इस पर संदेश हमें ये प्राप्त होता है कि जब मन में शांति और शीतलता आ जाती है, तब शरीर की थकान भी दूर हो जाती है। आगे हम देखते हैं, ये 12वें नंबर पर है, पंचजन्य शंख जो प्राप्त हुआ था, इसको भगवान विष्णु ने ग्रहण किया था, और इस शंख पर संदेश ये है कि शांति और थकान को दूर करने वाली है ये। जब इनका स्वर जब हमको प्राप्त होता है, तो ये पूरे दुनिया जो है एक आकर्षण से बंध जाती है और शांति प्रदान करती है, और मन और तन की थकावट दूर हो जाती है, और इसके बाद फिर हमारा मन जो है भक्ति में रम जाता है, लगा रहता है। और आगे हम और बढ़ें, 13वें नंबर पर जो बहुत महत्वपूर्ण जो प्राप्त हुआ था, वो है अमृत कलश, जिनके लिए ही देवता और दैत्यों ने समुद्र मंथन का कार्य किया था, बहुत बड़ा बीड़ा उठाया था। तो इसमें और 14वें नंबर पर भी यही है, माने धन्वंतरी जी हैं स्वयं जी, वो भी एक रत्न थे जी, और ये अमृत कलश जी। तो दोनों 13 और 14 नंबर पर तो धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे जी। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों से उस कलश को छीन लिया था, और देवताओं को अमृत का सेवन कराया था। तो इस तरह से इनका संदेश यह है कि जब सारी बुराइयां दूर हो जाती है, तभी हम भक्ति को प्राप्त करते हैं। भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो सारी बुराइयां हैं वो दूर होनी चाहिए, और फिर हमें ये शांति रूपी अमृत हमको प्राप्त होता है। जब भक्ति मिल जाती है तो, और उसके बाद फिर भगवान की कृपा हमको प्राप्त होती है। ये 14 रत्नों की ये विशेषता है जी। और बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मुख्य मंदिर है, और मुख्य मंदिर आप मल्ला दर्शन करा था ना, वहाँ भगवान जी के बारे में भी जानकारी लेबो। धन्वंतरी मंदिर, मुख्य मंदिर आओ, आप मल्ला दर्शन करा था और जानकारी लेथन महोदय जीवन से, आचार्य जीवन से जी जी जी। तो आओ संगवारी हो, और आप मल्ला दर्शन करा था सीधा ये देख सका तो संगवारी हो, ये मुख्य मंदिर, और बिल्कुल चर्चा कर बो। हमारे बीच आचार्य महोदय जी भी है और उखड़ से जानबो। तो सबसे पहले तो आप मन की वंदन है, स्वागत है, जय जोहार है आप। जय जोहार जी। मैं यहाँ श्री धन्वंतरी मंदिर का प्रधान सेवक, भगवान के नीचे सेवा करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह हमारा मुख्य जो गर्भगृह है, इसमें कुल 6 मूर्तियाँ स्थापित हैं, जिसमें प्रधान रूप में 13वें और 14वें समुद्र मंथन के रत्न के रूप में भगवान श्री धन्वंतरी जी, जो नगर में निसंदेह रूप से आरोग्य प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं,
बहुत लोगों को इनका लाभ भी प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक त्रयोदशी के दिन भगवान जी का अभिषेक होता है, अभिषेक के उपरांत सुंदर श्रृंगार भी भगवान जी का किया जाता है एवं इसमें गर्भगृह में माँ भगवती पृथ्वी देवी एवं मैया लक्ष्मी जी की सेविका को स्थापित किया गया है, साथ में श्री लक्ष्मी नारायण जी, भगवती महालक्ष्मी जी, साथ में हमारे विष्णु के ही अवतार कच्छप जी का भी स्थापन यहाँ किया गया है। श्री गोपाल जी इस गर्भगृह में विराजमान हैं, जो निसंदेह रूप से धमदा नगर में आरोग्य प्रदान कर रहे हैं और सुख समृद्धि धन धान को जो है प्रसारित कर रहे हैं। धन्यवाद। और बिल्कुल संगवारी हो, आप मन ला कैसे लगे इस वीडियो आप मन हाँ जरूर बताओ हमारे चैनल के माध्यम से। आप मन ला लगातार चाहे कोई भी क्षेत्र से वीडियो हो, चाहे कोई भी विधा से हो, आप मन के बीच ला त्रिपो दिखा त्रिपो। तो महोदय जी, आप मन हाँ समय बताते हो कि जो पूजा करे के जो यहाँ पूजा कितना टाइम में पूजा होते? प्रातःकालीन 8 बजे तकरीबन भगवान जी की आरती होती है। आरती के बाद प्रसाद वितरण, जिसमें बड़ी मात्रा में श्रद्धालु जो हैं उपस्थित रहते हैं। सायंकाल ठीक 7 बजे भगवान जी की आरती होती है, शयन आरती, उसके बाद भगवान जी के विश्राम दिया जाता है। और थोड़ा सा जी बिल्कुल, प्रत्येक धनतेरस के दिन भगवान जी के इस गर्भगृह में वेदी पूजन के साथ अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के उपरांत अनेक प्रकार के प्रसादी वितरण, जिसमें भगवान को मुख्य रूप से आंवले की प्रसादी यहाँ से वितरित किया जाता है, जो निसंदेह रूप से भगवान के आशीर्वाद के स्वरूप में निरोग्य का कार्य करती है। सभी उस प्रसादी को पाकर आरोग्य जो है ग्रहण करते हैं जी। हमारे बीच महोदय जी भी है और चर्चा भी कर दो, तो महोदय जी आप मन थोड़ा सा अंदर आते जी, तो आप मन हाँ बताते महोदय जी थोड़ा सा ये मंदिर के बारे में, थोड़ा सा हमारे दर्शक माला जानकारी देते। जी जी जी, छत्तीसगढ़ राज्य का यह प्रथम मंदिर बना हुआ है और राज्य ही नहीं अन्य राज्यों का भी इसका लाभ ले रहे हैं जी, जी। और इससे जुड़ते जा रहे हैं लोग बाग। हमारा तो समिति जिस हिसाब से जो है काम कर रही है, अध्यात्म शक्ति हर एक व्यक्ति के अंदर जा कर के उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता भरे और इस रोग प्रतिरोधक के चलते हर एक रोग से हम लड़ सकते हैं। एक सबसे अच्छा उदाहरण ये हवे कि जब मौसम परिवर्तन होते तो मौसम परिवर्तन होते तो सर्दी खांसी बुखार आते, तो सर्दी खांसी बुखार में हे भगवान मोला जो सर्दी खांसी से बचा देवे, ऐसे नहीं। तब मौसम के साथ हमार जिस हिसाब से 5 तत्व से शरीर बने हवे और यही 5 तत्व के थोड़ा बिगड़े के वजह से 1-2 दिन तक सर्दी खांसी रहना चाहिए, ज़्यादा रहा थे मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हवे। तो मोला ये जतका जत ये चैनल ला देखैया संगी मन है ओकर से निवेदन भी हवे कि भगवान धन्वंतरी का नाम जाप करते हुए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को आगे बढ़ाएं, यही मेरा निवेदन है सभी लोगों से जी जी जी। और आदरणीय जी से भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं, तो आप मन का कहना चाहते हो ये जो धन्वंतरी मंदिर परिसर ये मुख्य मंदिर के बारे में दर्शक मल्ला संगीत संग। हाँ, ये बहुत इस क्षेत्र का जी। ये आसपास के क्षेत्र का और धमधा नगर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बन गया है यहाँ पर मंदिर स्थापना होने के बाद जी। और यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी भी यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं समय समय पर जी। और चूंकि ये हमारे जो धन्वंतरी जी है निरोगता के ही देवता है, निरोग प्रदान करने वाले देवता है, और यहाँ पर जो समस्त जो कार्यक्रम या समस्त जो बहुत सारी जो संस्थाएं हैं यहाँ पर संपूर्ण रूप से ये मैं तो इसको प्रणेता जो है हमारे आदरणीय डॉक्टर शाह दिनेश साहू जी हैं, अगर वो यहाँ नहीं होते तो संभावना नहीं थी बिल्कुल। तो मैं तो कहता हूँ कि उन्हीं की देन है ये मंदिर, ये शाला और ये जो सारे कार्यक्रम जो है जिस वो विभिन्न लोगों को यहाँ पर जोड़ करके यहाँ पर हर तरह के आदमी को, चाहे वो पेंशनर हो, रिटायर हो, और डॉक्टर हो, या फिर हर एक विधा के कलाकार हैं, उनको सबको जोड़ करके यहाँ पर एक सुंदर
और दृश्य जो यहाँ पर बन पड़ा है वो उन्हीं की देन है, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल संगी हो संगवारी हो, ये जानकारी आप मान ला कैसे लगी से सुग्घर ढंग से आप मन हमारे बीच महोदय जी मन हैं, आदरणीय जी मन, आचार्य जी मन हैं, सुग्घर ढंग से आप मान ला धन्वंतरी जी के जो विस्तार रूप में आप मान ला जानकारी दी से, तो बिल्कुल संगवारी हो आप मन भी बिल्कुल दर्शन करो और सुग्घर अपन जीवन ला धन्य बनाओ, हम यही कामना करत हन। और बिल्कुल संगवारी हो आप मन हमारे वीडियो के माध्यम से आप मन के जो कार आ है ये मंदिर के बारे में और हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहता हूँ बिल्कुल आप मन कमेंट के माध्यम से जरूर बताओ। संगवारी हो जी, मैं ये बताना चाहूँ कि ये पहली ऐसे मंदिर है जो पूरा आयुर्वेद के देवता स्थापित हवे और एकर अनुयायी घोलो खावे, जतका अनुयायी हो हवे कि हर्बल में पेड़ पौधों में जो औषधि शक्ति हवे जैन मन काम करे हवे तेकरो मन के स्टेचू लगे हवे। मैं बताना चाहूँ कि ये होम्योपैथी के आविष्कार करता डॉक्टर सर सैमुअल हैनीमैन जी हैं जो जर्मन देश के निवासी हैं। अच्छा। और इनके माध्यम से आज पूरे विश्व में होम्योपैथिक दवा के माध्यम से रोग को दूर किया जा रहा है, इसके उपचार ले रहे हैं लोग, होम्योपैथी के डॉक्टर आपको हर जगह मिल भी जाएगा, उपलब्ध हो जाएंगे। ये टोटल होम्योपैथिक की दवा हर्बल से बने, जैसे लहसुन हो गए, प्याज हो गए, तो एक हर मन के अर्कन निकाल करके ये होम्योपैथी का आविष्कार होया हुए। और हमार जो मुख्य जो है भगवान धन्वंतरी, वो है जड़ी बूटी कूट पीस करके पाउडर बना करके, माने फर्क का है अबे कि और जैसे जैसे दिन आवत जाए वैसे वैसे नए नए आविष्कार होवत जाते। तो और दूसरा वो बताऊँ मैं कि डॉक्टर काउंट सीजर मेटी जी के स्टेचू आप मान ला दिक्कत हुई और ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आविष्कार करता है। तो होम्योपैथी में जहाँ पे कमी रही सबे तेनला यह पूरा करी सबे, यह इटली देश के निवासी डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, यह जर्मन देश के, तो दोनों जन लेकर से थी खड़े करा दे हमन कि ये मन सब अनुयायी है भगवान के, धन्वंतरी भगवान के। तो वो बड़े बड़े मुछू वाले मन ला रखते नहीं का दरबार में, तो हमारे ये अनुयायी ये हवे ये मंदिर के शोभा और एकर यही बहाने हमला याद करे के मौका भी मिलते और रोज के प्रणाम करे के मौका भी मिलते। और ये दोनों जो है चिकित्सा से जुड़े हवे, ये इलेक्ट्रोहोमोपैथी का आविष्कार करता और ये होम्योपैथी का आविष्कार करता, पहले आजू बाजू में रखे हम अनुयायी हैं तेकर से थी। और ऐसने जो है एक संबंधित सुश्रुत जी भी हैं जो आयुर्वेद में काम किए हैं जी, ऊपर आप दिखाएंगे लाइट जी, रात जी, में जी, जब रहता तो और अच्छा दिखता। अच्छा जी, महर्षि सुश्रुत जी हैं ऊपर और महर्षि चरक जी हैं जो आयुर्वेद पर पूरा काम किए हुए हैं और भगवान धन्वंतरी के अनुयायी रहे हैं। तो ये संगी हो ये जो मंदिर हवे ये मना टोटल औषधालय को लेकर के है ताकि जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता हर एक इंसान में आकर के रोग ला दूर करे जाए, बस अतका कहा तो संगी हो। और आप मन जरूर आऊ जैन मन ये चैनल ला बहुत पसंद करता हो और ये चैनल के माध्यम से ये भगवान धन्वंतरी का आपको जो दृश्य दिखाया गया और इन लोगों के परिश्रम जो चैनल वालों का, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और साधुवाद के साथ साथ ये इतना अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और इसके लिए भी मैं संस्था की ओर से आभार व्यक्त भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी, और बहुत ही सुग्घर ढंग से देख सका तो संगवारी हो आप मल्ला बहुत ही सुग्घर ढंग से हमारे आदरणीय जी महोदय जी मन ये मंदिर के बारे में धन्वंतरी मंदिर के बारे में आप मल्ला सुग्घर जानकारी दी थे। आप मल्ला कैसे लगते बिल्कुल आप मन हमारे चैनल के माध्यम से अपन कमेंट जरूर राय जरूर दो। और ठीक है संगवारी हो, बहुत जल्द एक नए विचार एक नए वीडियो के साथ फिर मिलबो, तब तक के लिए जय जोहार और जय छत्तीसगढ़, जय धन्वंतरी।